नमस्कार, आप सभी का निपुण स्मार्ट शाला चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, आप सभी का निपुण स्मार्ट शाला चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आओ स्कूल चले प्रोजेक्ट के तहत क्या क्या टास्क किए जाने हैं उनके बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक ज़रूर करें और आपको लगे कि ये वीडियो आपके किसी साथी की ज़रूरत हो सकती है तो उसके साथ इसे शेयर ज़रूर करें। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आओ स्कूल चले प्रोजेक्ट के बारे में हमने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये प्रोजेक्ट क्या है, क्या करना है, किसके लिए है, क्यों है। अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ये कि पहले आप उस वीडियो को देख कर आएँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये प्रोजेक्ट है क्या, उसके बाद आप इस वीडियो पर आएँ। तो इस प्रोजेक्ट वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या टास्क करने हैं। आपको इस प्रोजेक्ट के तहत 5 टास्क करने होंगे। ये 5 टास्क मैंडेटरी टास्क हैं। इसके अलावा अगर आप अपने स्कूल के एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए कुछ अन्य स्टेप लेना चाहते हैं तो आप उन्हें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उन 5 स्टेप्स को बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हमें कार्य करना अनिवार्य है। नंबर 1, कोलेक्ट एंड एनालाइज एनरोलमेंट डाटा फ्रॉम लास्ट 5 ईयर। कंडक्ट मीटिंग विद टीचर्स एंड SMC मेंबर्स। डिस्कस एंड सेट एनरोलमेंट टारगेट फॉर दिस ईयर। फॉर्म ए वर्किंग कमेटी एंड प्लान एक्टिविटीज ऑफ एनरोलमेंट प्रोग्राम। कंडक्ट डिफरेंट एनरोलमेंट एक्टिविटीज अलोंग विद वर्किंग कमेटी। कैलकुलेट percentage increase in enrollment from last year and create an enrollment report। ये आपके 5 टास्क हैं। अब आइए एक एक करके इन टास्क के बारे में हम जानते हैं। पहले टास्क के बारे में आते हैं, आओ स्कूल चलें, हाउ टू एनालाइज द एनरोलमेंट डाटा फ्रॉम लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल का डाटा कैसे एनालाइज करना है, कैसे रिपोर्ट तैयार करनी है और वो क्यों करना है। What the template would help the school head to capture the enrollment data from the last 5 year। इसके लिए आपको एक टैंपलेट दिया गया है, उस टैंपलेट के अकॉर्डिंग आप अपना 5 साल का डाटा कलेक्ट करके भरेंगे। ऐसा क्यों किया जाना है। इट वुड हेल्प टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ स्कूल एनरोलमेंट। इससे आप एनालाइज कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि एनरोलमेंट्स में पिछले 5 साल से क्या चेंजेस आ रहे हैं। एनरोलमेंट डाटा टैंपलेट, ये आपका टैंपलेट है जो आपको अपने रजिस्टर में मेंटेन करना है। जहाँ पर भी आप इस प्रोजेक्ट को लेकर एजेंडा निकालेंगे अपने SMC रजिस्टर में या किसी अन्य रजिस्टर में, वहाँ आप ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे, आपके स्कूल का नाम, ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट और लास्ट 5 ईयर यानी कि 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 तक का एनरोलमेंट का डाटा। अब कन्फ्यूज़न यहाँ आता है कि आप ये एनरोलमेंट का नंबर कहाँ से लेंगे, 30 सितंबर लेंगे या 31 मार्च। आप इसे 31 मार्च कंसिडर करके चलें, चाहें तो आप 30 सितंबर भी, लेकिन हम कहेंगे इसे 31 मार्च लेकर चलें। नंबर 2, कंडक्ट मीटिंग विद टीचर्स एंड SMC मेंबर टू डिस्कस एंड सेट एनरोलमेंट टारगेट फॉर दिस ईयर। आपको टीचर्स के साथ यानी कि स्कूल हेड को ये कार्य करना है, स्कूल टीचर्स के साथ और SMC सदस्यों के साथ आपको एक मीटिंग कंडक्ट करनी है जिसमें आप इस प्रोजेक्ट के तहत किए जाने वाले कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे और इस साल के लिए अपना एनरोलमेंट का एक टारगेट फिक्स करेंगे। टारगेट फिक्स करने का मतलब जितनी एनरोलमेंट पीछे थी यानी कि 2022-23 के सत्र में थी उसको बढ़ाकर अब कितनी करना चाहेंगे, वो टारगेट आपको फिक्स करना है और उसके लिए आपको काम करना है। नंबर 3, फॉर्म ए वर्किंग कमेटी एंड प्लान एक्टिविटीज़ एंड टाइमलाइंस ऑफ एनरोलमेंट प्रोग्राम। आपको एक वर्किंग कमेटी बनानी है, प्लान बनाना है एक्टिविटीज़ कराने के लिए और एक टाइमलाइन फिक्स कर देनी है।
वर्किंग कमेटी, इस कमेटी में आपके टीचर्स, आपके एसएमसी सदस्य मेंबर्स होंगे और इसमें आपको एक्टिविटीज़ जो भी करनी है, यानी कि ये 5 टास्क या फिर इसके अलावा नामांकन बढ़ाने के लिए जो जो आप एक्टिविटी करेंगे उनका एक प्लान तैयार करना है और उस प्लान की हर एक एक्टिविटी के लिए एक टाइम बाउंड कर देना है। मान लीजिए कि मुझे आज घर घर जाना है तो ये प्रोग्राम कब तक चलेगा, इस तारीख से इस तारीख तक चलेगा, ये सदस्य इस कार्य को करेंगे इस दिन। तो इस तरीके से आपको एक कमेटी बनानी है, एक्टिविटी प्लान करनी है और उसके लिए एक टाइम सेट करना है। एक्टिविटीज़ में क्या क्या हो सकता है? नामांकन कार्यक्रम गतिविधियाँ आओ स्कूल चले के तहत, समुदाय को भागीदार बनाने की रणनीतियाँ, इसमें आप अपने समुदाय को हिस्सेदार बना सकते हैं, गृह भ्रमण, आप घर घर जा सकते हैं डोर टू डोर। क्यों? क्योंकि इससे अभिभावकों के साथ एक बेहतर संबंध स्थापित होगा। आप अभिभावक और बच्चों की गतिविधियों में शामिल हो, अभिभावकों को बच्चों की गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकेंगे, बच्चों से संबंधित जमीनी स्तर का आंकड़ा इकट्ठा कर पाएंगे, आप उनकी परेशानियों को समझ पाएंगे। कैसे करना है? उन छात्रों की एक सूची तैयार करें जो विद्यालय में नामांकित नहीं हैं या विद्यालय छोड़ चुके हैं। इन बच्चों की आप पहचान कि ये बच्चे कौन कौन हैं या कहाँ से हैं, आप स्कूल में आ रहे विद्यार्थियों से भी ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि उनके अड़ोस पड़ोस में कौन ऐसा बच्चा है जो नाम कटवा के घर बैठा हुआ है, जो विद्यालय नहीं जा रहा है। प्रतिदिन कौन कितने घरों का भ्रमण करेगा, इस संबंध में एसएमसी और शिक्षकों के साथ एक योजना बना ले। ये आपका प्लान एक्टिविटी का पार्ट रहेगा कि कौन कितने दिन कितने घरों में जाएगा। यदि अभिभावक नामांकन कराने को लेकर तैयार होते हैं तो नामांकन प्रक्रिया के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति से बात करा दें। आगामी कार्यवाही के तौर पर नामांकन के लिए संभावित बच्चों का विवरण लिख लें, यानी कि अगर आप जा रहे हैं घर और अभिभावक एडमिशन कराने के लिए तैयार हैं तो स्कूल में किसी जिम्मेदार व्यक्ति की ये ड्यूटी लगा दीजिए। दूसरा, जब भी अभिभावक तैयार है विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए तो आप उस बच्चे का समस्त डाटा, जितना भी संभाविक हो उतना डाटा वहीं से कलेक्ट कर ले आएं। चौपाल, क्यों चौपाल ज़रूरी है? यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दिलचस्पी पैदा करता है और आकर्षित करता है, विद्यालय को बेहतर बनाने में समुदाय को भागीदार बनाता है। इस दौरान मुख्य बिंदुओं, उनके विचार और परेशानियों के बारे में चर्चा की जा सकती है। कैसे करना है? सामुदायिक चौपाल की गतिविधियों की योजनाएं बनाएं। समुदाय के सदस्यों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या मौखिक रूप से समय समय पर और स्थान के बारे में बता दें कि इस दिन इस जगह पर हम ये चौपाल आयोजन कराकर कार्य आपको बताएंगे। यदि अभिभावक नामांकन कराने को तैयार हैं तो नामांकन प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से बात करा दीजिए और आगामी कार्यवाही के लिए संभावित बच्चे का विवरण लिख लीजिएगा। आंगनवाड़ी भ्रमण, क्यों आंगनवाड़ी का भ्रमण करना है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अभिभावकों को विद्यालयों में अपने बच्चों का नामांकन कराने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कैसे करेंगे? शिक्षक आंगनवाड़ी जाकर विद्यालय में हो रहे नामांकन के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। कुछ ऐसे पोस्टर अपने साथ लेकर जाएं जिन्हें आंगनवाड़ी केंद्रों में लगाया जा सकता है। जैसे प्राइमरी स्कूल हेड या स्टाफ जब भी आंगनवाड़ी का भ्रमण करने जाए तो कुछ ऐसे चार्ट्स जो आपके स्कूल में यूज़ नहीं हो रहे हैं या फिर थोड़े पुराने हो गए या एक्स्ट्रा हैं तो आप उनको वहाँ ले जा सकते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र पर वो उनको लगाने के लिए कह सकते हैं ताकि वहाँ आने वाले बच्चे उनसे कुछ सीख सके। विद्यालय में किस प्रकार से पोषण और शिक्षण का ध्यान रखा जाता है, आशा कार्यकर्ताओं को इस बारे में बताएं। आप आशा वर्कर्स को हमारे गवर्नमेंट स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में, क्या क्या खाने का रहता है, क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इस बारे में उन्हें बता सकते हैं ताकि जब अभिभावक उनके पास आए तो वो आगे अभिभावकों को बता सकें। विद्यालय की गतिविधियाँ और रणनीतियाँ, विद्यालय में जो भी गतिविधियाँ
कराई जा रही है उनके बारे में आप अभिभावकों को बुलाकर बता सकते हैं, चौपाल के दौरान बता सकते हैं। नामांकन पट क्यों ज़रूरी है? इसका उद्देश्य लिए गए नामांकन की संख्या और विद्यालय के नामांकन अभियान की नवीनतम जानकारियों से समुदाय को अवगत कराना है। अब ये कैसे होगा? दैनिक नामांकन की संख्या को समेकित करें। स्लेट बोर्ड, कार्डबोर्ड या ब्लैक बोर्ड का उपयोग करते हुए एक सूचना पट बनाएं। उस पर नामांकन की संख्या अपडेट करें। आपके द्वारा अमल में लाई गई नामांकन अभियान की रणनीतियों या गतिविधियों की तस्वीर लगाएं। सरकार द्वारा स्कूलों में दी जाने वाली पहलों की जानकारी देने वाले पोस्टर लगाएं। नामांकन सूचना पट एक ऐसा बोर्ड बना दिया जाए जहां पर हमारे पिछले 5 साल का डाटा मेंशन हो, इस साल क्या है वो मेंशन कर दिया जाए, प्रतिदिन वाली संख्या मेंशन कर दी जा सकती है, जैसा आपको इस सुविधा के अनुसार आपको सही लगे वैसा आप उस पर अपडेट करें। अगर आप एक्टिविटी करा रहे हैं उसकी फ़ोटोज़ हैं तो आप डिस्प्ले बोर्ड पर उन फ़ोटोज़ को भी लगा सकते हैं। आप गवर्नमेंट्स द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं का पोस्टर जो भी है आपके पास अवेलेबल उसे भी लगा सकते हैं। विद्यालय अवलोकन क्यों ज़रूरी है? इससे अभिभावकों और बच्चों को विद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा एवं सुविधा के स्तर और गुणवत्ता की समझ मिलती है और उन्हें उस पर भरोसा होता है। इसके साथ साथ यह उन्हें विद्यालय के माहौल के प्रति सहज बनाता है। कैसे करना है? विद्यालय अवलोकन के लिए एक तिथि और समय की योजना बनाएं। प्रधानाध्यापक या शिक्षक पूरे विद्यालय और उसकी सुविधाओं को प्रदर्शित करेंगे। संबंधित कमरों में पोस्टर या चार्ट लगाएं जिससे समूह के लोग स्वयं अपनी समझ भी विकसित कर सकें। तख्तियों या कार्डबोर्ड बनाकर इस्तेमाल करना है, मतलब आपको अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित करना है और हमारे विद्यालय का एक भ्रमण कराना है, क्लासरूम को दिखाना है, किस तरीके का माहौल हमारे क्लासरूम में हमारे विद्यालय में रहता है उसके बारे में उनको जानकारी देनी है। रणनीतियाँ सोशल मीडिया। अब आपके द्वारा अपनाई जा रही सभी रणनीतियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको अपडेट करना होगा, जैसे व्हाट्सअप, सोशल मीडिया का उपयोग करना, आप अपने पोस्टर को, अपने स्लोगन्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। ये कुछ आपको हैशटैग्स दिए गए हैं, हैशटैग आओ स्कूल चले, हैशटैग शिक्षा मेरा अधिकार, स्कूल मेरा बच्चा का, बच्चों का भविष्य, इस तरह के हैशटैग लगाकर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि आपका व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस तरह के आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी एक्टिविटीज़ की छोटी छोटी वीडियो बनाकर हमें भी दे सकते हैं, हम उन्हें अपने YouTube चैनल पर ज़रूर प्रदर्शित करेंगे। नामांकन अभियान कार्यबल क्या? नामांकन की प्रक्रिया के संपादन और प्रबंधन के लिए एक जिम्मेदार टीम, यानी कि नामांकन अभियान को पूरा करने के लिए और नामांकन को बढ़ाने के लिए एक जिम्मेदार टीम बनाई जाए। क्यों बनाई जाए? विद्यालय में नामांकन बढ़ाने के अभियान की योजना और कार्यान्वयन के लिए समर्पित सदस्यों का होना आवश्यक है। यह समुदाय को उनकी ज़रूरत के अनुसार सही व्यक्ति तक पहुंचने और नामांकन से जुड़ी जिज्ञासाओं को शांत करने में उनकी सहायता करता है। नामांकन की प्रक्रिया और नामांकन के संबंध में आवश्यक दस्तावेज की जानकारी जैसे विभिन्न प्रश्नों से संबंधित सहायता के लिए इसका गठन आवश्यक है। समिति के प्रत्येक सदस्य के लिए कार्य का निर्धारण हो, जैसे डाटा संग्रहण करना, अभिविन्यास सत्र, समुदाय बैठक। इसमें ये कहना चाहता है कि नामांकन अभियान को एक प्रबल रूप देने के लिए एक जिम्मेदार टीम बनाई जाए जो विद्यालय में नामांकन को बढ़ाने में पूरा सहयोग करे। आप ऐसे समुदाय के ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपको उस एरिया के लोगों तक पहुँचने में मदद करे और उस समुदाय के लोगों की समस्याओं को समझ सके। नंबर 4, कंडक्ट डिफरेंट एनरोलमेंट एक्टिविटी अलोंग विद
वर्किंग कमेटी। आपको अलग अलग तरह की गतिविधियां करानी है कमेटी के साथ मिलकर। नंबर 5, सबसे इम्पोर्टेंट, कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन एनरोलमेंट फ्रॉम लास्ट ईयर एंड क्रिएट एन एनरोलमेंट रिपोर्ट। ये आपका सबसे आखिरी स्टेप होगा, जब भी इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली सबमिट करना होगा। इसकी डेडलाइन 31 मई तय की गई है, हो सकता है आगे इस डेडलाइन को बढ़ा भी दिया जाए, लेकिन 31 मई डेडलाइन फिक्स की गई है। अगर आगे से ये निर्देश आते हैं कि इस प्रोजेक्ट को 31 मई तक सबमिट करना है, तो आप लास्ट के 5th स्टेप पर ये करेंगे कि पिछला एनरोलमेंट, इस बार का एनरोलमेंट, यानी कि ये सब एक्टिविटी कराकर जो एनरोलमेंट बढ़ा है उसको कैलकुलेट करके आप एक रिपोर्ट बनाएंगे। इसके लिए टेम्पलेट कुछ इस प्रकार है। नेम ऑफ द स्कूल, ब्लॉक नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, टोटल एनरोलमेंट नंबर फ्रॉम लास्ट ईयर एंड टोटल एनरोलमेंट नंबर फ्रॉम करंट ईयर एंड देन परसेंटेज इंक्रीज। इस तरीके से आप अपना एनरोलमेंट डाटा कलेक्ट करेंगे। ये आपका 5th स्टेप रहेगा। अगर आप चाहें तो इस 5th स्टेप के अलावा अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो भी आप एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए करेंगे, उनको भी आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर शामिल कर सकते हैं। यानी कि दीक्षा प्रो प्लेटफॉर्म के ऊपर इन 5 स्टेप के अलावा भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये 5 स्टेप, ये 5 टास्क समझ में आ गए होंगे जो आपको इस प्रोजेक्ट के तहत करने हैं। अगर फिर भी आप में से किसी की कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगेन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें, और आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक भी करें। और जिस भी साथी को इस वीडियो की ज़रूरत आपको लगे है तो प्लीज़ उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। थैंक यू।